Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel again. हम डिस्कस कर रहे थे 12th chapter nature of light यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में और लास्ट क्लास में हमने हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करी थी, जिसमें हमने ये देखा कि हाइगेन की जो वेव थ्योरी है वो वैलिड है और इसके आधार पर इन घटनाओं की एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। इसका ये अर्थ है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में चलता है और ये तरंगाग्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, प्रकाश स्रोत की प्रकृति पर निर्भर करता है। आज के इस सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में और व्यतिकरण के बारे में। इसके साथ ही हम बात करेंगे कला संबंधित स्रोत के बारे में कि कला संबंधित स्रोत बेसिकली होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम तरंगों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि तरंगों की कैरेक्टरिस्टिक्स आप 11th क्लास के 9th चैप्टर में पढ़ चुके हो, लेकिन हम उसका एक जनरल सा ओवरव्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि तरंग बेसिकली क्या और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिससे जब अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब हमें एग्जैक्टली पता होगा कि तरंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हालांकि कई जनों को आप में ऑलरेडी पता होगा कि तरंगों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन हम फिर भी उसको थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, जस्ट ओवरव्यू उसका ऊपर ऊपर का देख लेते हैं कि तरंग बेसिकली क्या और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी। ठीक है, सो हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी ये कहती है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश सदैव तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है और ये तरंगाग्र की जो तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। अब अगर हम तरंग की बात करें गाइस, तो कोई भी तरंग हमें किस तरह से दिखाई देती है, कोई भी तरंग हमें इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, इस तरंग का ये वाला जो पोर्शन है इसे हम श्रृंग कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं श्रृंग, ऊपर वाला भाग। जो नीचे वाला डीप पोर्शन है इसे हम थ्रू कहते हैं या हिंदी में इसे गर्थ कहते हैं। ठीक है, अब तरंग के दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी है उसे हम इसकी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दो क्रमागत श्रृंगों की बात करूँ मैं, पहला श्रृंग ये होगा, दूसरा श्रृंग ये होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उसे भी हम इसकी तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को भी हम इसकी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्लियर, इसका हम एक आधार बिंदु बना लेते हैं। तो आधार में बनाने के लिए इसके मिडल में लाइन खींच देता हूँ इस प्रकार से, ये इसकी माध्य अवस्था कहलाती है। जो डॉटेड लाइन है ये इसकी माध्य स्थिति कहलाती है। ठीक है, इसे हम इसकी माध्य स्थिति कहते हैं, माध्य अवस्था या माध्य स्थिति। तो देखिए, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ये तरंग का मतलब होता है वाइब्रेशन करना। ठीक है, तरंग जो है वो बेसिकली क्या होती है, तरंग कणों के वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे माध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन होता है, ये वाला देखिए, माध्य स्थिति से ऊपर की डायरेक्शन में अधिकतम विस्थापन या नीचे की डायरेक्शन में अधिकतम विस्थापन, इसे हम इसका आयाम कहते हैं। ठीक है, और ये सारी बातें हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमने पढ़ा था तीव्रता के बारे में। तो तीव्रता बेसिकली क्या होती है, तीव्रता हमेशा होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती, और ये भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ पर एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा गाइस, जिसे हम कहते हैं कला, यानी कि फेज। देखिए, फेज या कला का मतलब होता है कि कोई तरंग कहाँ से स्टार्ट होती है। सो इट इज़ बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट। हम किसी भी तरंग का स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करें तो उसे हम फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे डीप हम बात नहीं करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे तरंग में ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये इसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी। माध्य अवस्था से अधिकतम जो विस्थापन होता है उसे हम इसका आयाम कहते हैं।
तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है और कला का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। दो तरंगों के बीच कंपैरिजन जब अपन करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं फेज का, या इनके बीच के फेज डिफरेंस का यूज करते हैं। क्लियर। अब एक बात और समझ लीजिए कि एक रोटेशन में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। तो आधे में कितना का बनेगा? पाई का। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई यानी 360 डिग्री। फिर यहाँ से लेके वापस यहाँ तक कितना बनेगा? 2 पाई, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो इस प्रकार ये तरंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं। हम बात करते हैं गाइस तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत की, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत बेसिकली यूज होता है जब दो या दो से ज्यादा तरंगे आपस में मिश्रित होती है, अध्यारोपित होती है। तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत बेसिकली ये कहता है कि किसी भी माध्यम में अगर दो या दो से ज्यादा तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का जो विस्थापन है या उससे जो नई तरंग बनती है, उस नई तरंग का विस्थापन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा गाइस? इसके अनुसार किसी या जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हुई परस्पर अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का विस्थापन दोनों तरंगों के या तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या पढ़ा हमने? कि जब भी दो या दो से ज्यादा तरंगे किसी भी माध्यम में संचरित होती हुई आपस में अध्यारोपित होती है तो उससे जो नई तरंग बनेगी, एक परिणामी तरंग, उस परिणामी तरंग का जो परिणामी विस्थापन आएगा वो दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर आएगा। इंपॉर्टेंटली इसमें याद रखना है सदिश योग के बराबर आएगा। ठीक है, ये इसका एल्जेब्रिक सम नहीं होगा बल्कि सदिश योग होगा, दिशा भी इसमें इंपॉर्टेंट होगी। यानी मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर करते हैं, हमारे पास दो तरंगे हैं। ठीक है, पहली जो तरंग है उसका विस्थापन मान लेते हैं y1 सदिश से दिया जाता है। ठीक है, पहली जो तरंग है उसका विस्थापन सदिश दिया जाता है y1 सदिश से, और दूसरी जो तरंग है उसका विस्थापन सदिश दिया जाता है y2 सदिश से। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर ये दोनों तरंगे किसी भी माध्यम में संचरित होती हुई परस्पर अध्यारोपित होगी तो परिणामी विस्थापन इन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर आएगा। यानी कि इन दोनों के अध्यारोपण से अगर ये दोनों अध्यारोपित होती हैं तो इससे परिणामी विस्थापन जो आएगा y सदिश, वो इन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर आएगा। इसे हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अभी अध्यारोपण के सिद्धांत में तरंगें दो प्रकार से अतिव्यापित हो सकती है, तरंगों में दो प्रकार से अतिव्यापन संभव हो सकता है। अब इन दोनों तरंगों की अपन बात कर लेते हैं। देखिए, पहला तरीका कौन सा?
पहला तरीका जो है उसे अपन संपोषी अतिव्यापन कह सकते हैं या संपोषी अध्यारोपण कह सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए पहला तरीका कौन सा होगा, पहला हम बात कर लेते हैं संपोषी अध्यारोपण। संपोषी अध्यारोपण, संपोषी अध्यारोपण बेसिकली कब, जब तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी विस्थापन ज्यादा प्राप्त होता है तो उसे अपन संपोषी अध्यारोपण कहते हैं। ठीक है, तो यदि परिणामी विस्थापन अधिक प्राप्त होता है तो यह संपोषी अध्यारोपण कहलाता है। ठीक है, अब संपोषी अध्यारोपण में परिणामी विस्थापन अधिक कब प्राप्त होता है, जब तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है। ठीक है, तो संपोषी अध्यारोपण में परिणामी विस्थापन अधिक प्राप्त होता है कब प्राप्त होता है, इसमें तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है, तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है। ठीक है, अब समान कला में अध्यारोपित किस प्रकार से होती है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार रफ कर देते हैं, हम ऊपर वाले मामले में देखेंगे कि समान कला में किस प्रकार से अध्यारोपित होती है। या तो तरंगे समान कला में अध्यारोपित हो सकती है या फिर हम इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखिए यहां पे हम दो तरंगे बनाते हैं, मान लेते हैं हमारे पास पहली तरंग कुछ इस प्रकार दे रखी है और इस तरंग का विस्थापन जो है वो y1 सदिश है। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो तरंग दे रखी है गाइस, समान कला में अध्यारोपित का मतलब होना है पहली तरंग जिस बिंदु से स्टार्ट हो रही है दूसरी तरंग भी उसी बिंदु से स्टार्ट हो तो उसे अपन समान कला में कहते हैं। तो अगर पहली तरंग यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी तरंग भी जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, तो जीरो से स्टार्ट होगी तो कुछ इस प्रकार से चलेगी, ये दूसरी तरंग आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि पहली तरंग और दूसरी तरंग दोनों समान बिंदु से स्टार्ट हो रही है, मतलब दोनों समान कला में है, तो इन दोनों का जब अतिव्यापन होगा तो परिणामी विस्थापन जुड़ेगा, है ना। इसका जो हमारे पास विस्थापन दे रखा है वो कितना दे रखा है, मान लेते हैं इसका विस्थापन दे रखा है y2 सदिश, तो जो परिणामी विस्थापन मेरे पास आएगा y सदिश वो दोनों के सदिश योग के बराबर आएगा। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो y1 है यहां से लेके यहां तक वो 5 इकाई है और ये जो मेरे पास y2 दे रखा है वो मान लेते हैं 3 इकाई है। ठीक है, तो ये 5 और 3 दोनों एक ही दिशा में है, 5 और 3 तो जुड़ जाएंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मेरे पास जो परिणामी तरंग बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, वो बड़ी होगी, इस प्रकार से बड़ी तरंग बनेगी क्योंकि परिणामी विस्थापन क्या आएगा मेरे पास ज्यादा आएगा। तो इस प्रकार के अतिव्यापन को हम संपोषी अतिव्यापन कहते हैं। तो हमने क्या देखा, परिणामी विस्थापन इसमें ज्यादा प्राप्त होता है क्योंकि दोनों जो है वो समान कला में अतिव्यापित होती है और समान कला में अतिव्यापित होगी तो इस प्रकार के अध्यारोपण को हम संपोषी अध्यारोपण कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ, समझ लीजिए, जीरो मैंने बताया एक पूरा रोटेशन में कितना एंगल बनता है 2π का, तो ये वापस यहाँ तक 4π, 2π का आधा कितना होगा पाई, यहाँ पे कितना आएगा 3π, मैं यहाँ पे भी एंगल बना देता हूँ पाई 2π 3π और 4π। अब देखिए मान लेते हैं कि दूसरी तरंग दोनों समान बिंदु से स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब दोनों समान कला में नहीं है, इनके बीच कुछ कालांतर है, लेकिन कालांतर कितने का है, अगर इनके बीच का जो कालांतर है कालांतर वो कालांतर यदि 0 हो 2π हो 4π हो 6π हो तब भी मेरे पास ये समान कला में अध्यारोपित होगी। समझिए किस प्रकार से,
मान लेते हैं कि पहली तरंग जो मैंने ली है y1 वो तो 0 से ही स्टार्ट हो रही है, दूसरी तरंग इससे 2 पाई एंगल या तो आगे स्टार्ट हो या 2 पाई एंगल पीछे से स्टार्ट हो, तो मैं पीछे से स्टार्ट मान लेता हूँ। मान लेते हैं कि दूसरी तरंग 2 पाई यहाँ से स्टार्ट हो रही पीछे से, तो 2 पाई से स्टार्ट होगी तो दूसरी तरंग इस प्रकार से आएगी और यहाँ आते आते वापस इसकी समान कला में आ जाएगी। अगर 4 पाई आगे या पीछे से स्टार्ट हो रही तो मान लेते 4 पाई से स्टार्ट हो रही दूसरी तरंग, तो यहाँ से ये इस प्रकार आएगी और यहाँ आते आते वापस इसके समान कला में आ जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि अगर तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं या इनके बीच कालांतर 2 पाई 4 पाई 6 पाई होता है तो दोनों तरंगें परस्पर जुड़ेगी, इनका विस्थापन जुड़ेगा और परिणामी तरंग का विस्थापन बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। इसी प्रकार के अध्यारोपण को हम समपोषी अध्यारोपण कहते हैं। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर काम में लिख लीजिएगा। दूसरी हम बात कर लेते हैं विनाशी अध्यारोपण की, तो इसको रफ कर देते हैं। दूसरा विनाशी अध्यारोपण की अपन बात करते हैं, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं विनाशी अध्यारोपण, विनाशी अध्यारोपण। देखिए विनाशी अध्यारोपण क्या कि जिसमें परिणामी विस्थापन कम प्राप्त होता है उसे विनाशी अध्यारोपण कहते हैं। तो इसमें परिणामी अध्यारोपण, परिणामी विस्थापन कम प्राप्त होता है। अब कम क्यों प्राप्त होता है? तो परिणामी विस्थापन कम प्राप्त होने का मतलब है कि जो दो तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं उनमें या तो विपरीत कला में वो अध्यारोपित होती है या फिर उनके बीच कालांतर जो है वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह का नहीं होता। तो इसमें परिणामी विस्थापन अगर कम प्राप्त होता है किसी भी अध्यारोपण में तो उसे विनाशी अध्यारोपण कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसमें तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। देखिए इससे पहले हमने संपोषी में क्या पढ़ा कि तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है जिससे हमें विस्थापन ज्यादा प्राप्त होता है, लेकिन इसमें विपरीत कला में अध्यारोपित होती है इसलिए हमें विस्थापन कम प्राप्त होता है। इसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो तरंगे हैं, जो पहली तरंग दे रखी है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और इसका विस्थापन मान लेते हैं y1 सदिश, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 2 पाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा पाई, ये कितना आ जाएगा 3 पाई और ये कितना आ जाएगा 4 पाई। एंगल यहाँ पर भी अपन बना देते हैं पाई 2 पाई 3 पाई सो ऑन। ठीक है, अब परिणामी विस्थापन कम प्राप्त कब होगा? जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होगी। विपरीत कला का मतलब है पहली तरंग अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी तरंग भी 0 से ही स्टार्ट हो, लेकिन पहली तरंग जब ऊपर जा रही है तब दूसरी तरंग कहाँ आनी चाहिए? नीचे। मतलब पहली तरंग में जब विस्थापन ऊपर हो रहा हो तो दूसरी तरंग में विस्थापन कहाँ होना चाहिए? नीचे। तो दूसरी तरंग भी यहीं से स्टार्ट होगी, लेकिन पहली तरंग अगर ऊपर है तो दूसरी तरंग का विस्थापन कहाँ आएगा? नीचे आ गया। इस प्रकार से ये दूसरी तरंग मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम विपरीत कला में कहते हैं। पहली तरंग दूसरी तरंग समान बिंदु से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर एक ऊपर मूव करती है तो दूसरी कहाँ मूव करती है? नीचे। इसका विस्थापन सदिश मान लेते हैं y2 सदिश। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो पहली तरंग है इसका आयाम या इसका विस्थापन है 5 इकाई और जो दूसरी तरंग है उसका विस्थापन हम मान लेते हैं 2 इकाई। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं दोनों विपरीत दिशा में है तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, घट जाएगा ये, तो परिणामी जो विस्थापन मेरे पास आएगा वाई सदिश वो दोनों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर आएगा। सदिश योग मतलब 5 में से हम यहाँ पे 2 को माइनस करेंगे क्योंकि इन दोनों की दिशा अलग अलग है, और जब माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा कितना? यहाँ पे 3 बचेगा, तो जो परिणामी तरंग आएगी वो 3 आएगी और वो भी ऊपर आएगी, है ना। तो ये परिणामी तरंग मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये मेरे पास परिणामी तरंग आएगी। तो हम क्या देखते हैं इस कंडीशन में, इससे पहले वाली कंडीशन में परिणामी तरंग विस्थापन में बहुत ज्यादा आई थी, यहाँ परिणामी तरंग का विस्थापन, यहाँ पर परिणामी तरंग का विस्थापन कम प्राप्त होता है। कम क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि तरंग विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। इस प्रकार के अध्यारोपण को हम विनाशी अध्यारोपण कहते हैं। अब इसमें केवल विपरीत कला ही संभव नहीं है, हम यहाँ पे कालांतर की भी मान देख सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि यहाँ पर जो कालांतर है उसका मान होना चाहिए पाई 3 पाई 5 पाई सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब कि तरंग या तो पाई पहले स्टार्ट हो या पाई बाद में स्टार्ट हो, 3 पाई पहले स्टार्ट हो या 3 पाई बाद स्टार्ट हो। तो समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि जो दूसरी तरंग है वो पाई पीछे से स्टार्ट हो रही है, तो पाई पीछे से स्टार्ट होगी तो यहाँ आते आते वापस इसकी विपरीत कला में आ जाएगी इस प्रकार से, तो विनाशी व्यतिकरण होगा।
या 3π पीछे से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इस प्रकार से, तो भी यहाँ आते आते इसकी विपरीत कलान आएगी और वापस विनाशी व्यतिकरण होगा या विनाशी अध्यारोपण होगा। तो इस प्रकार हमें विनाशी अध्यारोपण में विपरीत कला में अध्यारोपित होने के कारण परिणामी विस्थापन क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। क्लियर है गाइस? तो ये हमने बेसिकली क्या डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस किया तरंगों के अध्यारोपण के बारे में कि तरंगे अध्यारोपित किस प्रकार से होती है। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कला संबंधित स्रोत के बारे में और प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।